एक नए मामले आए सामने। संजय राउत का राज्यसभा सभापति को खत, कहा ठाकरे सरकार गिराने का दबाव, ईडी के जरिए फंसाने की हो रही कोशिश। बाजार में हरियाली, सेंसेक्स 350 अंक ऊपर खुलकर 57,170 के पार, निफ्टी 17,400 के करीब। महिला टी20 मुकाबले में भारत को मिली हार, न्यूजीलैंड ने 18 रन से दी मात। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर संभल से है, जहां AIMIM चीफ सराया त्रीन इकवाले में जनसभा को संबोधित करते हुए इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा बसपा नाग और सांप नाथ है और मैं मदारी हूं। जबकि ओवैसी इतने पर नहीं रुके, आगे ओवैसी ने कहा कि जब जनता वोट देने जाए तो याद रखे कि एक तरफ सांप तो दूसरी तरफ नाग बैठा है, जबकि मदारी जनता के सामने बैठा है क्योंकि वो इन सभी पार्टियों के जहर को जानते हैं। जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस का नुमाइंदा कामयाब होकर अल्लाह के फजल से आपकी दुआओं से जाएगा तो उसकी जबान पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर अल्लाह ने यहां से हमारे मुशीर साहब को कामयाब किया तो मैं आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात को कह रहा हूं कि मुशीर साहब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपके नाइंसाफी और आपके हक के लिए पुकारेंगे, लड़ेंगे और ऐसी दीवानगी का मजाहरा करेंगे कि लोग कहेंगे कि संबल से कौन शेर आ गया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। जितने भी अब जीत कर गए अपने आप को तो शेर तो बोलते हैं मगर कालीन के शेर हैं ये। भैया के सामने अपनी दुम को पैरों में दबा लेते हैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां नारकी के भाजपा नेता की गुंडाई इतनी बढ़ गई है कि वो अब पत्रकार के साथ अभद्रता कर रहे हैं और सरेआम पत्रकार को धमकी देते नजर आए। जबकि ये वही भाजपा नेता हैं जिन पर बलात्कारियों का साथ देने और पीड़ित पक्ष पर शिकायत वापस लेने का भी दबाव बनाया गया है। तो दबंगाई देखने को मिल रही है, जहां एक व्यक्ति की, एक नेता की, भाजपा नेता की गुंडई इतनी बढ़ गई है कि पत्रकार के साथ अभद्रता करते हुए भी नजर आए हैं। आपको ऑडियो सुनाते हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, घर मिलना हो डायरेक्ट आकर के मुझसे मिलना। तो मुझसे आप मिनिस्टर हो तो मैं आपसे मिलूंगा। आप यहाँ से कितने आगे पीछे घूमते हैं मेरे, मैं क्यों आऊंगा आपसे? आप आओ मेरे पास में। मतलब तुम्हारे पीछे मेरे यहाँ से आगे पीछे घूमते हैं? अरे तुम क्यों, मैं क्यों जाऊंगा आपके पास में? बहुत बड़ा कलेक्टर हो गया तू, तमीज से औकात देख ले, औकात की बात मत करो, तुम्हारी औकात मैं जानता हूँ कितनी है। औकात क्या है मैं बता दूंगा, हमें कितनी औकात ये तुम्हारे का थोड़ा, तुम्हारी औकात क्या है मैं जानता हूँ, दलाली करते हो बता दे तू है, गाली मंदो गाली मंदो मैं बोल रहा हूँ, गाली मंदो छापे में क्या करना, तुम्हारी छाप ले चले, जितने जितना छापना हो छाप देना, ठीक है? तुम्हारी औकात तुम गोली मारवाओ मेरे लिए, प्रधानमंत्री है तुम्हारे लिए, तुम प्रधानमंत्री हो मेरे लिए, फोन मत करना, बता दिया मैंने, तुम मेरे पास फोन मत कर देना, ठीक है ना? मेरे पास बोला फोन मिनट में जगन शेट्टी के लिए निकाल दूंगा ना, ठीक है? पत्रकार के साथ विधायक दबंगई करते हुए नजर आए हैं, अभद्र शब्द यूज करे हैं और आपने भी सुना किस तरह से बदसलूकी करते नजर आए हैं। वहीं अब पीड़ित पत्रकार की आपको सुनाते हैं कि उसने क्या कुछ कहा। जी जान सेठ जो कहते हो पैसा ले ले और राजीनामा कर ले दो की दे तो है, जो कहते झूठो के तो बलात्कार झूठो लगा। तो पीड़िता ने अपना बयान दिया है और
आरोप लगाती हुई नजर आई है, तो वहीं विधायक और पत्रकार के बीच बातचीत भी आपने सुनी। मऊ की मधुबन सीट से भाजपा ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के बेटे रामविलास चौहान को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही बागपत और इस्तीफों की बौछार हो गई है और बगावत देखने को मिल रही है। वहीं इस कड़ी में जिला महामंत्री राधेश्याम सिंह समेत 500 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे का वक्त देते हुए कहा कि अगर उम्मीदवार नहीं बदला गया तो वो बीजेपी से सदा के लिए नाता तोड़ देंगे। प्रत्याशी बदलने के लिए 24 घंटे का समय दिया है और मऊ से ये खबर सामने आ रही है जहां पे काफी प्रदर्शन देखने को मिला है भाजपा प्रत्याशी को लेकर। तो बगावत और इस्तीफों की बौछार आ गई है और जिला महामंत्री राधेश्याम सिंह समेत 500 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है, साथ ही बीजेपी से नाता तोड़ने की बात भी कही है। 24 घंटे का वक्त दिया गया है। आलोक मल नाम है मेरा, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ मधुबन में, मधुबन विधानसभा के मधुबन में। आज भाजपा कार्यालय पे आने का कारण क्या है? भाजपा कार्यालय पे आने का कारण इतने दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को विचारों पर चलने वाली है, हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो है उनके विचारों को किनारे करते हुए परिवारवाद की राजनीति कर रही है और परिवारवाद के लोगों को टिकट दे रही है और ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो न विधानसभा में कार्यकर्ता को जानते हैं न गाँव को जानते हैं। इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मऊ से संवाददाता कमलेश जुड़ चुके हैं। कमलेश, आखिर इतना आक्रोश क्यों देखने को मिल रहा है जो इस्तीफों की बौछार हो गई है, बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं? जी शिखा जी, आपको हम बता दें कि बीजेपी में विधानसभा 353 मधुबन से जब रामविलास चौहान को टिकट जब बीजेपी घोषणा की, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी जो कार्यालय पहुंचकर और इस्तीफा की बौछार लगा दे, जिसमें बता दिया 24 घंटे का अल्टीमेट दे दिया गया है जिला अध्यक्ष को और बताया गया है कि अगर 24 घंटे में अगर टिकट वापस नहीं होता है तो इस्तीफा की बौछार लग जाएगा। तो 24 घंटे का समय दिया गया है, क्या लगता है क्या इस पे कोई एक्शन होगा? जितने भी पदाधिकारी है उनकी मांग पूरी की जाएगी? अब जिला अध्यक्ष कहे हैं कि आश्वासन दिए हैं कि ठीक है आपकी बात जो है हम पूरी पार्टी के अध्यक्ष को हम देते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वो अगर कहें कि नहीं होगा तो हम लोग इस्तीफा देके हम अपने प्रत्याशी को निर्दल लड़ाएंगे। आखिर कौन से प्रत्याशी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं ये पदाधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता? ये जो भरत सिंह है उन्हीं को बीजेपी से बड़े कई वर्षों से लगातार अपने क्षेत्र में घूमे हैं और दौड़े हैं, लोग वहाँ के स्थानीय लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ लोकल प्रत्याशी होना चाहिए ताकि बाहर ही नहीं, तो रामविलास चौहान को बताया कि पैराशूट से चले आए हैं ताकि वहाँ के स्थानीय नहीं है और ना तो इनको कोई जानने वाला भी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता कमलेश जुड़े थे मऊ से। वही अब खबर संभल से है जहां असमोली सीट से सपा प्रत्याशी पिंकी यादव ने कई गांवों में नुक्कड़ सभाएं करते हुए जनता को संबोधित किया। इस दौरान पिंकी यादव ने बताया कि सपा सरकार के जीतने पर जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। आगे सपा प्रत्याशी ने कहा कि सपा का जनाधार लगातार बढ़ता जिससे साफ है कि सपा को इस बार प्रचंड जीत मिलेगी। संभल के असमोली विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम अपने समर्थकों के साथ लगातार जगह जगह जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर इस बार मैं विधायक बनूंगा तो विकास की नैया पार कर दूंगा और महंगाई को नष्ट कर दूंगा। आगे कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि अब जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी क्योंकि अब जनता को विकास चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर अवैध शराब तस्करों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। रायबरेली पुलिस ने दो शराब माफियाओं के कब्जे से 1,20,00,000 रुपए की कीमत की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। यह संपत्ति शराब के अवैध कारोबार से अर्जित की गई थी। पुलिस ने ढोल मजीरे के साथ माफियाओं के आवास पर पहुंचकर कुर्की की नोटिस चस्पा किया और संपत्ति को कुर्क कर लिया। मामला जलमऊ थाना इलाके के दीनगंज का बताया जा रहा है। कुख्यात शराब माफिया अमरेश जायसवाल और अजय जायसवाल जो दीनगंज थाना के रहने वाले हैं, उनकी
अपराध द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को जिलाधिकारी महोदय के आदेश से 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष डलमऊ द्वारा कुर कर लिया गया। थाना अध्यक्ष डलमऊ द्वारा यथोचित कार्रवाई करते हुए थाना डलमऊ के इन दोनों शराब माफियाओं के मकानों पर, जो कि शराब द्वारा बेची गई संपत्ति से अर्जित किया गया था, जिलाधिकारी महोदय का आदेश चस्पा किया गया। और इसके साथ साथ खबर रायबरेली के बछड़ावा थाना क्षेत्र से है, जहां पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने अपने कमरे में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामे के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। इन लड़का को बता रहे हैं कि घर वाले फांसी लगा ली है, कमरे में बंद करके फांसी लगाए थे, कमरे को तोड़ के इन्होंने लड़की को ले गया। जब यहाँ पे हॉस्पिटल लाया गया, वो एक्सपायर कर चुका था। बछड़ावा का है? हाँ, बछड़ावा का है। आशीष नाम है, 27 साल उम्र, ये पोस्ट ऑफिस के पास रहता है। रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष चौहान ने विभिन्न मोहल्लों का दौरा किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने कई ब्राह्मण संगठनों के साथ बैठक भी की और बैठक में सभी ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा कि बीजेपी ने हमको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, अब की बार जिले में सभी ब्राह्मण बीजेपी को सबक सिखाएंगे। बैठक में उपस्थित सभी ब्राह्मणों ने कांग्रेस प्रत्याशी मनीष सिंह चौहान के समर्थन की घोषणा की। कानपुर में सीसामऊ निशांक शर्मा के निर्देशन में आदर्श आचार संहिता का पालन करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना सीसामऊ की टीम ने जरीब चौकी चौराहे पर चेकिंग के दौरान सफलता हासिल की। चेकिंग के दौरान 5 व्यक्तियों के पास 11,04,800 रुपए बरामद हुए और सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि विदित है कि आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए निरंतर थाने की फोर्स के द्वारा चेकिंग की जा रही है, इसी श्रृंखला में आज जरीब चौकी पर, जो थाना सीसामऊ के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 5 अलग अलग व्यक्तियों से करीब 11 लाख रुपए से अधिक की राशि बरामद हुई है। जैसे ही ये राशि बरामद हुई है, तत्काल FST को सूचना दी गई है, उनके द्वारा जाँच कर इसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। विधानसभा चुनाव जिस तरह नजदीक आ रहा है, उसको लेकर समस्त प्रत्याशियों की ओर से लगातार जनसंपर्क भी किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से वार्ड 56 के पार्षद नूर आलम के नेतृत्व में आज आर्यनगर विधानसभा प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल की तरफ से शहर के बास मंडी बेकनगंज क्षेत्र में जनसंपर्क किया गया और जनता से वोट की अपील की गई। वहीं जनसंपर्क को देखते हुए जनता की ओर से भी कहा गया कि ऐसे जनसंपर्क देखकर अब लगता है कि कांग्रेस जिंदा हो गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।